वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ राव्या सिद्दीक सीएच। तो आज की वीडियो में मैं ओरियो शेक बनाने लगी। मेरा काफी दिन से ओरियो शेक पीने का दिल कर रहा था, मीठा थोड़ा सा, और ओरियो भी मैं काफी दिन से खा रही थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी ओरियो शेक बनाने की। आज मैं ओरियो शेक बनाऊंगी और साथ आप लोगों को दिखाऊंगी मैं किस तरह बनाती हूँ और किस तरह उस पर टॉपिंग वगैरह करती हूँ। तो चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। वैसे तो आप सबको पता है ओरियो शेक होता है जो मुश्किल नहीं होता, ये बहुत ही इजीली बन जाता है, लेकिन अपने स्टाइल में मैं बना रही हूँ वो आप लोगों को रेसिपी मैं आप लोगों को बताऊँगी। सबसे पहले मैंने जूसर ले लिया, जूसर में मैंने ओरियो ऐड कर दिया। 1 टेबल स्पून में इसमें चीनी ऐड कर दूँगी और इसके बाद बस दूध ऐड करूँगी और चॉकलेट भी ऐड कर दूँगी। चॉकलेट कंपल्सरी नहीं है, ऑप्शनल है, आप लोग की मर्ज़ी, आप लोग डाल सकते हैं। ये चॉकलेट सिरप मेरे पास था इसलिए मैंने ऐड कर दिया। ये आप लोग देख सकते हैं, जितना मर्जी आप लोग डालें, जितना आपको मीठा पसंद हो आप लोग उतना डाल सकते हैं। अब मैं ये इसमें ऐड कर दूंगी। इसको ऐड करने के बाद आखिरी चीज़ जो दूध रह जाता है बस मैं वो ऐड करूंगी। जितना मतलब एक ग्लास बनाना है तो एक ग्लास दूध ऐड करो बस, फिर बात खत्म। एक ग्लास मैंने दूध ऐड किया और इसको ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड कह लो या कुछ भी जो भी कहते हैं मुझे नहीं पता। वो करने के बाद ये रेडी हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा मज़े का बना था और सिंपल सी रेसिपी है, सबकी यही होती है। लेकिन अब मैंने जो ये चॉकलेट लिया, अब इसको साइड पे लगाऊंगी ग्लास के, जो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। तो इसको लगाने के बाद मैं इसमें ओरियो शेक ऐड कर दूंगी और फिर इसके ऊपर भी चॉकलेट लगाऊंगी, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मेरा कैमरा नीचे था और बाद में मतलब ऊपर करके मैंने थोड़ा चॉकलेट लगा दी और ये साथ ओरियो शेक जो मैंने बनाया था वो डाला। अब इसके ऊपर भी मैं चॉकलेट डालूंगी। आप लोग ओरियो को भी मैश करके डाल सकते हैं, मैश या क्रश जो भी आप लोगों ने करना है आप करके इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं और साथ ही ओरियो के मतलब इसके साथ आप लोग ये चॉकलेट भी डाल सकते हैं। तो यही मेरी आज की रेसिपी थी, आप लोग देख सकते हैं ये मैंने बनाया, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। वैसे तो ओरियो की सिंपल रेसिपी होती है लेकिन ये मेरे स्टाइल में था, अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करना मेरी तरफ। मेरी ओरियो शेक की रेसिपी थी, मतलब छोटी सी थी और अच्छी थी। माजरत, मैंने अगली वीडियो डालनी थी अहमद के साथ, लेकिन अहमद की नीयत थोड़ी ख़राब हो चुकी है। नीयत पे डिपेंड करता है, अगर उसकी नीयत हो तो आ जाता है। उसकी नीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी और उसके इरादे भी थोड़े ख़राब थे, तो मेरे साथ वीडियो में नहीं आया। लेकिन अब देखते हैं कल परसों कौन सी वीडियो उसके साथ आती है, अभी मुझे नहीं पता कल भी आता है या नहीं। अब देखते हैं, लेट्स सी कि आता है या नहीं। तो अभी बस ये वाली वीडियो यहीं तक थी, सॉरी छोटे छोटे ब्लॉग्स के लिए। आएगा लंबा ब्लॉग, ज़रूर आएगा, मैं ज़रूर डालूंगी एक दिन ब्लॉग। बस ये रेसिपी मेरा आज दिल कर रहा था, मैंने सोचा डाल भी देती हूँ। और आज मैं इतना परेशान थी वीडियो क्या डालूँ, मेरे पास वीडियो कोई है ही नहीं, ना मेरी में हिम्मत हो रही बनाने की, क्योंकि मैं थक बहुत ज़्यादा गई थी। तो यही आज की मेरी वीडियो थी, वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, बाय, अल्लाह हाफिज़।